उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर बैन लगाने की बात की गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के पवित्र धर्मग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है। बता दें कि पड़ोसी राज्य बिहार में इस धार्मिक ग्रंथ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर चुका है। यूपी में इस विवाद को हवा दी है बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मचना तय है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24 पर बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई में शूद्रों को अधम जाति का बताया गया है। उन्होंने सरकार से इस पर संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि किताब से इस अंश को निकाल देना चाहिए या पूरी किताब को ही बैन कर देना चाहिए। सपा नेता ने कहा कि इसमें लिखी बातें बकवास हैं। तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। तो इस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रामचरितमानस के उस दोहे को निकालने की बात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि रामचरितमानस तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए रची थी। बता दें कि कवि बसपा में मायावती के बेहद करीबी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी कई प्रकार की टिप्पणियां की हैं, जिनमें उन्हें लगता है कि ओबीसी और एससी समाज का अपमान किया जा रहा है। लेकिन इस बयान के बाद लगता है कि उत्तर प्रदेश में हंगामा मचना तय है। बता दें कि रामचरितमानस पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान उत्तर प्रदेश में इस हंगामे को एक हवा दे सकता है और सोशल मीडिया पर लगातार उनकी इस पोस्ट को शेयर किया जा रहा है और उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द दस्तक 24।